करेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। लाइव मार्केट में देखोगे तो जबरदस्त 2% की गिरावट अभी लाइव मार्केट में देखने को मिल रहा है, और जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 6920 के आसपास अभी लाइव ट्रेडिंग हो रहा है। राउंड फिगर हम 6900 पकड़ लेते तो क्या हम इस लेवल पर बाई की पोजिशन बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत जबरदस्त करेक्शन आपको क्रूड ऑयल में देखने को मिल चुका है। लगभग 7900 के आसपास यहाँ पे एक हाई लगा था, उसके बाद देखोगे तो शार्प सेलिंग आपको यहाँ पे क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से क्या हम बाय की पोजीशन बनाना चाहिए, क्या अगेन सेल की पोजीशन बना सकते हैं क्या, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर। टेक्निकल बेस के ऊपर सबसे पहले M6 क्रूड मेगा के ऊपर एनालिसिस करूंगा, उसके बाद डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट करो, कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की। डेली बेस के ऊपर इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस एकदम फ्री प्रोवाइड कराता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बात करेंगे 6912 के आसपास अभी लाइव ट्रेडिंग हो रहा है, बहुत जबरदस्त गिरावट आपको अभी लाइव मार्केट में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं यहां पे जो बैक हिस्ट्री के ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा तो आपको पता होना चाहिए, लास्ट वाले काफी वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि मैक्सिमम आपको 8000 तक जाते हुए देखने को मिलेगा और डॉलर इंडेक्स में 93 तक जाते हुए देखने को मिलेगा। ये लास्ट वाले काफ़ी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि 6400 के ऊपर आप बाई की पोजीशन बनाइए और आने वाले दिनों में 8000 तक के टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड करिए, सारे के सारे टारगेट आपको अचीव होते हुए देखने को मिल चुके। बात करेंगे अभी आने वाले दिनों में सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल अभी जो ट्रेडिंग हो रहा है ना वो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट निकल के आ रहा है, कैसे यहाँ पे देख लीजिए, इस लेवल पे देख लीजिए 6800 हम राउंड फिगर पकड़ लेते, यहाँ पे एक बार टच किया था फिर गिरावट, यहाँ पे एक बार टच किया 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 फिर गिरावट, तो 6910 या राउंड फिगर हम 6900 का राउंड फिगर पकड़ लेते। इस लेवल के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टाइम ऐसे हुआ है जहाँ पे इसको 6900 के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम कर देता हूँ, मैं 1 घंटे का कैंडल लगा देता हूँ, उसके बेस के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हम इस लेवल पे बाई की पोजीशन बना सकते हैं क्या। तो देखो इस लेवल पे यहाँ पे देख लीजिए मार्केट ने एक बार जरूर सपोर्ट लिया था, अभी कोई यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाना चाहते हो तो 7020 ध्यान में रखिए, आपको जो क्रूड ऑयल में आप बाई की पोजीशन बनाना चाहते हो तो 7020 के ऊपर बाई की पोजीशन आप प्रेफर कर सकते हो। तो इस लेवल पे 7020 के ऊपर आप बाई की पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि अभी ये जो 7690 का जो लेवल्स निकल के आ रहा है वो स्ट्रांग सपोर्ट का काम करने वाला है। तो इस लेवल पे सपोर्ट लेता है क्रूड ऑयल तो बहुत ज़बरदस्त रिकवरी भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको बाइंग 7020 के ऊपर ही करना है, तब तक आपको क्रूड ऑयल में बाई की पोजीशन नहीं बनाना है, क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है तो अगेन ये सपोर्ट भी ब्रेकडाउन हो सकता है और नीचे की तरफ आपको अगेन डाउन साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कोई फ्रेश बाई की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 7020 के ऊपर बाई की पोजीशन बनाइए, 6900 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, बिल्कुल 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और आने वाले दिनों में 7400 के टारगेट रहेंगे। तो 7400 के जो टारगेट रहेंगे वो कम से कम 300 पॉइंट का टारगेट आपको, 300 से 350 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पे जो बाई के ऊपर टॉप पे फंस गए, ध्यान में रखना यहाँ पे हो सके 7800 या 7700 या 7500 या 7400 इस लेवल पे किसी ने भी बाई की पोजीशन बनाई होगी और वो एवरेज करना चाहते हैं तो किस लेवल पे एवरेज कर सकते हैं, तो एवरेज के लिए बेस्ट लेवल रहेगा 7020। जब तक 7020 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता तब तक एवरेज मत करिए। अभी डाउन साइड वो कितना भी नीचे जा सकता है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे नीचे का लेवल नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर है वो कहीं पर भी आ सकता है। तो इसकी वजह से आपको बाई करना है तो अब वो आप 7020 के ऊपर बाई की पोजीशन आप प्रेफर कर सकते हो। बात करेंगे यहाँ पे आने वाले दिनों में कोई सेल की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कहाँ पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं, तो ध्यान में रखिए बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट निकल के आ रहा है इस लेवल के आसपास 6870 का नीचे अगेन सेल की पोजीशन आप प्रेफर कर सकते हो। इसके नीचे अगेन आप सेल की पोजीशन बनाते हो तो 6600 के टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छी करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है तो सेल की पोजीशन बनाते हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस भी आपको लगा देना है। स्टॉप लॉस आपके लिए रहेगा 7020 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपके लिए रहेंगे 6600 के टारगेट रहेंगे और सेल की पोजीशन आपको 6870 के नीचे ही सेल की पोजीशन बनाना है। अभी आप सेल के ऊपर बने हो तो बिल्कुल पोजीशन होल्ड करिए, आने वाले दिनों में आपको 7020 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जब तक 7020 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता तो आप तो यहाँ पे
आपको सेल की पोजीशन एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो 7020 के ऊपर ट्रिगर होता है तो बिल्कुल आप सेल की पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। अभी लास्ट वाले काफ़ी वीडियो में मैंने क्रूड ऑयल के ऊपर बताने की कोशिश किया था कि $93 के आसपास जाएगा तो एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रैली क्रूड ऑयल में देखने को मिल चुका है, तो एक यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो आने वाले दिनों में कोई यहाँ पे बाय की पोजीशन बनाना चाहते होंगे तो कहाँ पे बाय की पोजीशन बनाना चाहते हो, तो $85 के ऊपर जब तक ये सस्टेन्ड नहीं करता तब तक आपको फ्रेश बाय की पोजीशन मत बनाइए। काफ़ी लोगों का मुझे कमेंट्स आते हैं व्हाट्सअप पे, सर अभी हम यहाँ पे बाय की पोजीशन प्रेफर कर सकते हैं क्या? तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा, सपोर्ट जब तक लेता नहीं मार्केट तब तक आपको यहाँ पे बाय की पोजीशन प्रेफर नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है तो अगेन ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो अगेन आपको ये $80 तक भी देखने को मिलेगा। तो $85 के ऊपर बाय की पोजीशन बनाइए, $89 से लेके $90 का पोजीशन होल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो $82 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, तो $3 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऑलमोस्ट यहाँ पे $6 के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे जो सेल के ऊपर बने हैं बिल्कुल पोजीशन होल्ड करिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ $84, $84 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ट्रेल स्टॉप लॉस लगा दीजिए और डाउन साइड में टारगेट लगा दीजिए $80 का। इस लेवल पे फ्रेश सेल की सलाह बिल्कुल नहीं है, ऑलरेडी अच्छी खासी करेक्शन हो चुके तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। और जो यहाँ पे बाई करना चाहते हैं वो $85 के ऊपर बाई की पोजीशन बनाइए, और किसी ने टॉप पे जाके बाई की पोजीशन बनाई होगी $93 के आसपास, $92 के आसपास, $90 के आसपास, तब $85 के ऊपर सस्टेन करता है तो अगेन आप बाई की पोजीशन प्रेफर कर सकते हो, पोजीशन ऐड भी कर सकते हो। तो कंप्लीट जानकारी मैंने यहाँ पे क्रूड ऑयल के ऊपर बताने की कोशिश किया। फर्स्ट टाइम विजिट करें कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की, डेली बेस के ऊपर इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस एकदम फ्री प्रोवाइड करता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।